स्वागत है आपका एलएन गाइड चैनल पे। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 1 का सम्स बताने जा रही हूँ। सितारा बेगम की दुकान में 60 अमरूद थे। उसने कुछ अमरूद का एक चौथाई भाग बेच दिया। अब उसके पास कितने अमरूद बचे हैं ये सॉल्व करना है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन मैंने रीड कर चुका है, आप सुन चुके हो। अब सॉल्व करते हैं इसको। सितारा पहले हम लोग लिख दे रही थी सितारा बेगम दुकान में कितने अमरूद थे। तो सितारा बेगम की दुकान में उसमें से उसने एक चौथाई भाग बेच दिया। तो बेचे गए अमरूद बराबर कुल अमरूद का एक चौथाई भाग। तो बेचे गए अमरूद कितना था? 60। और ये एक चौथाई भाग, एक चौथाई भाग। तो 60 × 1/4 इसको हम काट लेंगे। चार एकम चार, पांचों की 20 15 आता है। ठीक है, मैं भी 15 है। कितने अमरूद थे बिक्री हुए? तो 15 अमरूद। अब क्या करना है? 15 अमरूद बिक्री हुए थे। अब यहाँ बताना है कि कितने अमरूद बच गए हैं। तो उसके पास बच्चे अमरूद, बच्चे कुल अमरूद 60 थे जिसमें से 15 बिक्री हो गया। तो आपको 60 में से 15 घटाइएगा तो आपको 45 होगा। 45 अमरूद उसकी दुकान में बच गई है, आपका आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, माँ ने मुझे 60 रुपए दिए। 60 रुपए का 5/6 भाग दिया भैया को। 45 रुपए का 5/9 भाग दिया। तो माँ ने किसे अधिक रुपए दिए? यहाँ पे सॉल्व करना है। माँ ने मुझे कितने रुपए का? 60 रुपए का कितना भाग दिया? 5/6 भाग। 60 रुपए का 5/6 भाग किसे से कट गया? 10। 10 में से इसको गुणा करेंगे तो 50 होगा, 50 रुपये। ठीक है, अब माँ ने भैया को दिया। कितना दिया भैया को? 45 का 5/9 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 45 × 5/9 45 पर 5 से 5 का गुना करेंगे, 5 से 5 का गुना करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 होता है। 5 से 5 25 25 रुपये। अब ये मुझे माँ ने पैसा दिया, भैया को इतने दिए। तो अब क्या करेंगे? माँ ने मुझे 50 − 25 रुपये, 50 − 25 घटाएंगे तो 25 होगा, 25 रुपया अधिक। माँ ने मुझे 25 रुपया अधिक दिया। ठीक है, कितना? तो 25 रुपया अधिक दिया। यह आपका आंसर है। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम को क्रमशः 3/14 भाग, 4/7 भाग, 1/21 भाग खत्म किए। तो उसने 3 दिन में कुल कितने काम खत्म किए और कितना भाग रह गया है उसको निकालना है। तीन नंबर क्वेश्चन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कुल काम मान लेंगे। माना कुल काम एक है, माना कुल काम बराबर 1 भाग। अब 3 दिन का काम
तीन दिन में किया कुल काम बराबर तीन डिग्री जो जो यहाँ पे काम किया गया तीन बटा चौदह प्लस चार बटा सात प्लस एक बटा इक्कीस। इसका लसप निकालने के लसप इस तरह से निकालते हैं चौदह सात इक्कीस ठीक है सात से ले लेंगे दो एक तीन। अब इसका हम गुना कर देंगे सात दो गुने वन गुने तीन उसका गुना करेंगे तीन एक तीन तीन दूनी का छः सत्ते बयालीस फोर्टी टू का फोर्टी टू इसका लसप आता है लसप इस तरह से निकालते हैं इसका फोर्टी टू लसपा आ गया। आपको ये सॉल्व करने तो आता ही होगा नीचे वाले से डिवाइड होता है ऊपर वाले से गुना होता है ठीक है। चौदह के पाने में बयालीस कितने बार में आता है और आने के बाद जो आएगा उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है नौ प्लस इसमें से फिर से देखेंगे तो ट्वेंटी फोर होगा और यहाँ पे इक्कीस पाने में फोर्टी टू कितने बार में आता है दो बार में आता है तो यहाँ पे दो होगा क्योंकि ऊपर वन है तो अब इसको जोड़ देंगे नौ चौबीस दो आठ चौबीस दो अट्ठाईस अट्ठाईस नौ आपका हो जाएगा पैंतीस पैंतीस बटा में बयालीस। अब इसको काट लेंगे इसको भी सॉल्व कर लेंगे अब शेष काम क्या है शेष काम जो हम लोग माने थे कुल काम एक माने थे ये तीन काम किया गया तो शेष काम तीन काम का पांच बटे छह बार निकल गया यहाँ पे ठीक है। शेष काम क्या है आपका शेष काम बराबर एक माइनस जो आया है आपका पांच बटे छह। अब इसको सॉल्व करेंगे छह लस पर ले लिए अब यहाँ पे छह हो जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव तो एक बटा छह आपका कितना बच गया एक बटा छह भाग शेष काम रह गया है। तीन दिनों में किया गया कुल काम ये है पांच बटा छह भाग और बचा कितना एक बटा छह भाग आपका काम बच गया शेष काम यही आंसर होगा आपका। फोर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है एक बांस की लंबाई का एक बटा तीन भाग लाल रंग एक बटा पांच भाग हरे रंग तथा बाकी चौदह मीटर पीले रंग से रंग किया गया है बांस की लंबाई कितना है बताओ। तो यहाँ पे हम फिर से मान लेंगे कि एक बांस की लंबाई एक भाग है ठीक है। माना बांस की कुल लंबाई बराबर एक भाग ठीक है। अब लाल रंग से रंगा गया कितना है लाल रंग के बांस की लंबाई लंबाई बराबर एक बटा तीन भाग। इसके बाद क्या है हरे रंग के बांस की लंबाई बराबर कितना है एक बटा पांच भाग। अब इस दोनों को जोड़ देंगे हम लाल एवं हरे हरे रंग की बांस की कुल लंबाई एक बटा तीन प्लस एक बटा पांच। अब इसको सॉल्व करेंगे पंद्रह यहाँ पे आपका आंसर आ गया हरे लाल रंग की बांस की लंबाई आठ बटे पंद्रह भाग है। अब बाकी का भाग बराबर कितना माने थे हम एक एक में से इसको घटा देंगे आठ बटे में पंद्रह यहाँ पे हो जाएगा आपका पंद्रह यहाँ पे होगा आठ
पंद्रह में से आ गया सात, यहाँ पे पंद्रह, ये आपका बाकी का भाग है। अब इसमें से हम पीले रंग क्या कितना 14 मीटर पीले रंग से किया गया है, तो इसको 14 मीटर सॉल्व करेंगे, तो 14 मीटर में से इसको हम भागा कर देंगे तब आपका आएगा कितना बचा है, ठीक है। तो इसीलिए बांस का 60/15 भाग बराबर 14 मीटर पीला रंग है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, उसको इरेज करना है, यहाँ पे हम लिख दिया। फिर इसीलिए बांस का एक भाग बराबर 14/7/15 जो आया था, 7/15। तो जब हम ये डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए 14×15/7 ये कट गया, दो बार में कट गया, तो 15×30, ठीक है। तो यहाँ पे बांस की लंबाई बराबर 30 मीटर, ये आपका आंसर है। पांच नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कॉपी का मूल्य 6.50 रुपीज हो तो 15 कॉपी का मूल्य कितना है। बहुत इजी है, इसको से गुना कर देना है, हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक कॉपी का मूल 6.5 रुपए है तो 15 कॉपी का मूल्य, तो चूंकि एक कॉपी का मूल्य 6.50 रुपीज है, तो इसीलिए 15 कॉपी का मूल्य बराबर 6.50×15, इसी से गुना करेंगे, 6.15 से 15 का गुना किए तो गुना किए तो आपका आता है 15×0 15 15×5 75 का 5 7 8 फिर 15×6 90 90 में 7 जोड़ देंगे तो 97 का दो के बाद पॉइंट, इसलिए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका 97.50। ये तो यहाँ पे कॉपियों का मूल्य 15 कॉपियों का मूल्य होगा 97.50, ये आपका आंसर है। बहुत इजी है ये सब। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बक्सा में चीनी के 12 पॉकेट है, प्रत्येक पॉकेट का वजन 2.84 किलोग्राम है, बक्सा सहित कुल पॉकेटों का वजन 36 किलोग्राम होता है, तो बताओ बक्सा का वजन कितना है। यहाँ पे बक्सा का वजन पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग बक्सा की पॉकेट की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है। बक्सा में पॉकेट की कुल संख्या बराबर 12। अब एक पॉकेट का वजन कितना है, तो 2.84, तो यहाँ पे लिखना है एक पॉकेट का वजन बराबर 2.84 kg, ठीक। अब 12 पॉकेट चीनी का वजन बराबर 2.84×12 kg, इसी इसका गुना करेंगे, ठीक है। 2.84 से 12 का गुना किया, ठीक। 12 गुना करने के लिए 12×48 का 8 4 80 12 8 96 छियानवे होगा, 96 में हम 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 0 यहाँ पे 10 86 हो जाएगा, फिर 12 दुनिया का
चौबीस चौबीस और दस जोड़ेंगे चौबीस, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पे दो के बाद पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे आपका आएगा 34.08 केजी, 34.08 केजी हो गया। अब यहाँ पे क्या है मकसद सहित पुलिस व्यक्ति की स्पीड कितना है तो 36 किलोग्राम है, यहाँ पे हम लिखेंगे हम बक्सा सहित कुल पैकेटों का वजन बराबर कितना होगा, कितना है तो 36 केजी। अब यहाँ पे निकला है आपका 34.8 12 पॉकेट चीनी का, तो उसमें से क्या करेंगे हम इसको इससे घटा देंगे, बक्सा का वजन बराबर 36 केजी और ये हमारे पैकेट का कितना है 34.08 केजी। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा दिखा रहा आपको घटा के 36.00 के क्या कुछ नहीं है और 34.08 घटाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ से हम यहाँ पे एक हासिल नहीं है कि 10 हो गया 10 में से एक हासिल नहीं है, ये 9 हो गया ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 10 में से 8 गया 2 बचा, अब यहाँ पे 9 का 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 6 से वैसे उसमें हम ये चीज़ है इसलिए 5 हो गया था, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 हो गया 1.92, ये 3 का 3 कट गया 1.92 आपका किलो आ गया। यहाँ पे क्या पूछा गया था बताओ कि बक्सा की वजन कितनी है, तो बक्सा की वजन है 1.92 केजी, ये आपका आंसर है। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका एक बोरा चावल के परिमाण का 0.75 पाउंड चावल का मूल्य 1800 रुपए है तो उसके बाद उसके 0.15 भाग का मूल्य बताया गया, तो यहाँ पे 0.75 पाउंड चावल का मूल्य कितना है तो 1800 रुपए, यहाँ पे यही हम लिखेंगे कि 0.75 भाग चावल का मूल्य कितना है तो 1800 रुपए है। अब एक भाग चावल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 0.75 जो यहाँ पर, ठीक। अब पूछा गया यहाँ पे 0.15 भाग का मूल्य पूछा गया, यहाँ पर 0.15 भाग चावल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है 0, ये तो डिवाइडेड में है 0.75 इक्वल साइड में रहेगा नीचे चला जाएगा, तो डिवाइडेड में है ये, ये जो है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा गुना में चला जाएगा, ठीक। तो अब क्या कहेंगे हम ये पॉइंट हटाने के लिए गुना 100 और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ ऊपर में गुना 100 चला गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको करेंगे क्या करेंगे इसको पांच तीन पंद्रह फिर ये फाइव कट गया 5 25 कट गया, फिर यहाँ पे बेटा 5 के पहले 3 बार में 15 और 6 30 0, यहाँ का आपका आया
360 रुपए। समस्या है क्या? नहीं समझ समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिए, भी चैनल में आपको ये समझा दूंगी किस तरह से यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका आंसर है 360 आपका आंसर है। तो यहाँ पे 0.15 भाग मूल्य 360 रुपए होगा। आठ नंबर आपका क्वेश्चन है, नीता दीदी ने अपने जमीन का परिमाण के आधे भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दिया, एक बाकी जमीन अपने तीन बेटों को बराबर बांट दिया, प्रत्येक लड़का के जमीन कितना भाग पाया? यहाँ पे सॉल्व कर ले, कितना भाग पाया प्रत्येक लड़का? माना कुल जमीन, माना कुल जमीन का भाग बराबर वाला, जमीन का आधा भाग, जमीन का आधा भाग बराबर एक का 1/2 भाग ऐसे से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका वही आ जाएगा, इसे गया ये एक गुणी 1/2 भाग, इसका ये आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 भाग बराबर आधा भाग कितना होगा? 1/2 भाग। और भाई को दिया कितना? भाई को दिया, भाई को दिया गया, भाई को दिया गया बराबर कितना? 7/8 भाग। तो 1/2 भाग का 1/2 का 7/8 भाग दिया गया, 7/8 भाग, 1/2 भाग का 7/8 भाग दिया गया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे 7/8, 7 × 7 = 8 × 16 भाग। अब बाकी का बचा जमीन कितना है? बाकी बाकी जमीन बराबर पूरा भाग तो एक है ही, एक का ये भाग आप दिया गया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना भाग ये यहाँ करके रहेगा? 7/16। तो इसको घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 16 होगा क्योंकि आपको नीचे कुछ नहीं है, 16 - 7 = 16 में से 7 क्या आपका 9 हो गया, 9/16। अब 9/16 भाग का हम 3 डिवाइड करेंगे, तो 3 भाई को दिया था, वो दी थी 3 बेटे को दी थी, 3 बेटे बेटों में 3 बेटों में प्रत्येक प्रत्येक को प्राप्त प्रत्येक को प्राप्त जमीन का भाग, तो जो आया उसमें से 9 3 का डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडेड बाय। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 9/16 भाग, 9/16 × 3 3 × 9 यहाँ तो हो जाएगा 3/16 भाग वो अपने सारे भाई को सर में बेटे को बराबर मात्रा में दी थी, 3/16 भाग आपका आंसर है।
अगर जो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको फिर से वो दोबारा बता दूंगी। थैंक यू। आज मैं अपना क्लास यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट आगे का समझ बताऊंगी। थैंक यू।